रामपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापारियों को आज विभिन्न परिस्थितियों से जूझने के लिए मौत के कगार पर ला छोड़ा है। नोटबंदी से व्यापारी समाज बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। स्कूल के बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। किसान बदहाल है, मर रहा है, चीनी मिलें बंद पड़ी है। जीएसटी ने व्यापारी समाज की कमर तोड़ दी है। व्यापारी बेहाल है। मोदी सरकार ने व्यापारी का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि देश की जनता झूठे प्रधानमंत्री से तंग आ गई है। अब जनता ही जनार्दन है, अच्छे दिन दिखाकर व्यापारी समाज को बर्बाद करने का काम किया है। अगले प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा, यह यकीन देही 3 सूबों का चुनाव है जिसने भाजपा से तंग आकर कांग्रेस की सरकार बनाई है। 2019 भाजपा के लिए कठिन भरा होगा। आज मोदी जी के सर पर ताज है, कल सर में कांटे नजर आएंगे। पेश है रामपुर के संवाददाता असीम अजीज की खास रिपोर्ट। टोल के मुद्दे पर, आर्थिक तबाही के मुद्दे पर, 15 लाख रुपए की डिमांड के मुद्दे पर किसी जगह बोलने को तैयार नहीं है। व्यापार तबाह बर्बाद हो गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष को ऐसे रवैये पर शर्म होनी चाहिए कि अगर सिर्फ विपक्ष का काम क्या है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी इस बात को नजरअंदाज कर रही है या उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही जनता कहती, तो इनको विपक्ष की पोजीशन में रहते हुए इस बात को उठाना चाहिए ताकि केंद्र सरकार इस बात को महसूस करे कि आखिर आम जनता की आवाज क्या है। जो उनके फादर लगे हुए केंद्रीय मंत्रालय के लीडर्स हैं या मंत्री हैं, वो इस बात को नहीं उठाएंगे, क्योंकि कोई राजनीतिक लोभ नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए। 2019 में मात्र 2 महीने हैं। अगर प्रधानमंत्री जी, आम जनता, इस बेरोजगार तबाही, बेरोजगारी की परेशान झेल रही आम जनता और किसान और व्यापारी समाज के दर्द दर्द को समझते हुए अगर फैसला लेता है, तो जाहिराना बात है पूरे देश का आम जनता केंद्र सरकार को वोट देगी और केंद्र सरकार इसमें रियायत देने को तैयार नहीं होती है, हठधर्मिता बाकी रहती है। तो जो भी विपक्ष में मजबूत स्थिति में मैदान में विपक्षी आएगा उसको वोट पड़ेगा। लेकिन विपक्ष इस बात से, विपक्ष को यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए, विपक्ष का आज की तारीख में कोई काम नहीं है। अगर विपक्षी दल को वोट पड़ेगा तो सिर्फ काम केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी जो मौके में मौजूद है उसकी नाराजगी का वोट पड़ेगा। अभी 3 स्टेटों में बीजेपी हारी है, कांग्रेस जीती है, लेकिन वो कांग्रेस का वहां पर कोई वर्क नहीं है। जिससे चाहे सर्वे करा लिए, कांग्रेस का नाम मात्र का उसमें कोई प्रयास नहीं है। वो वोट सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी से जो नाराजगी है, उनकी नीतियों से जो आम जनता और व्यापारी समाज को नाराजगी रही है, उस नाराजगी में आम जनता व्यापारी समाज ने केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी को अटकाया और कांग्रेस को उसका फायदा मिल गया। कांग्रेस इस गलतफहमी में बैठी है कि हमने बहुत बड़ा को किला ढा दिया, हमने बहुत बड़ा कोई फतेह कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को जो भी वोट पड़ा है वो सिर्फ नाराजगी का पड़ा है। जो भी केंद्रीय सत्तारूढ़ में पार्टी है प्रधानमंत्री जी की, उससे जिन लोगों की जीएसटी और नोटबंदी और इनकम टैक्स के जो प्रोविजन थे।